देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, ये हमारी प्रैक्टिकल क्लास मॉर्निंग क्लास चल रही है, जो कि हमारी, ये दिखा दूं मैं आपको, सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इनका हार्डवेयर का सेक्शन कंप्लीट ही हो गया है, लगभग लगभग हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहाँ पे, मॉर्निंग की क्लास चल रही है, मॉर्निंग की क्लास, क्योंकि हार्डवेयर की क्लास अब कंप्लीट हो गई है। तो हमने इनको बोला है कि आपको जो जिस सेक्शन में काम करना है आप उस सेक्शन में काम करिए। तो ये अपना उस सारे सेक्शन पे काम कर रहे हैं अपना, किसी कोई रिवॉल्विंग कर रहा है, कोई नेटवर्क पे काम कर रहा है, कोई माइक पे काम कर रहा है, तो कोई स्पीकर पे काम कर रहे हैं, सारे अपने अपने प्रॉब्लमों को सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। कोई माइक का काम कर रहे हैं, अभी आपने एक माइक का काम किया, तो आपने अपने माइक की पूरी ट्रेसिंग की। यस सर। तो माइक आपका आप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माइक काम कर रहा है। आपने उसको फाइंड आउट, जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। चलिए अब हम देखिए, सब हमारे स्टूडेंट कोई माइक कोई चार्जिंग सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे ही हमारे एक स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा दूं, हमारे एक स्टूडेंट है, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विदाता है, मैं हैदराबाद से हूँ। चलिए तो आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे थे, आपका हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हो गया? हार्डवेयर हो गया कंप्लीट। हार्डवेयर आपका कंप्लीट हो गया, तो आप हमें ये बताइए कि आपने क्या किया और क्या बताना चाहते हैं आप? मेरे पास सैमसंग एक जेटू था, 2015 मॉडल। हाँ। मैं सैमसंग का ऑन हो रहा था, पर नेटवर्क नहीं आया था, गोल का सिंबल आता है। हाँ। गोल सिंबल आके नो सर्विस बोल के रुक जाता। गोल सिंबल मतलब वो क्रॉस का क्रॉस सिंबल आता है इसमें, अगर ही रुक जाता उससे आगे नहीं जाएगा। तो इनका प्रॉब्लम ये था कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, बस गोल का आइकन बन के क्रॉस आइकन बन रहा था, मतलब कहने का मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा था, नो सर्विस आ रहा था। उसको मैं सॉफ्टवेयर में भी कर चुका, और जेटी नॉर्मल ओडियन से करा, जेटी से करा, इसमें भी सॉफ्टवेयर करे तो इन्हें उतार ही रहा, पर आगे उसको खोल के फिर हार्डवेयर में मैंने ट्रेसिंग करा था, इसके कंपोनेंट लीकेज थे, तो इसको कंपोनेंट को निकाल के डायरेक्ट करने से इसका नेटवर्क आ गया। कौन सा कंपोनेंट था दिखाइए उसको। चलिए पहले तो इसमें दिखा दीजिए, फिर हम माइक्रोस्कोप में दिखा देते हैं। जैसे ट्रैक मिस था इसको, इसमें क्या मिस था आपका? इधर एक ट्रैक से ट्रैक नहीं आ रही थी इसका मेन। ये देखिए आपने जंपर किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं सभी को, जीएसएम सिग्नल जो था वो मेन पॉइंट वो कुछ भी रीडिंग नहीं भरा, ये आपने यहाँ से उठा के वहाँ पे जंपर कर दिया। कर दिया। तो ये सोल्यूशन आपको सारा पता है, जरूरी नहीं कि जंपर से हो, आपकी सारी ट्रेसिंग का नॉलेज है यहाँ पे। आपने शुरू से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और उसमें काम किया, ये आपका नेटवर्क। हार्ट टेस्टिंग भी करा पीए का ने इसका। हाँ हार्ट टेस्टिंग हो गया था, अपन इसका ट्रैक मिस था, ट्रैक मारने के बाद नेटवर्क आ गया। नेटवर्क चलिए तो प्रैक्टिकल दिखाइए, इसे चालू करके दिखाइए, सिम लगा के दिखाइए। देखिए इन्होंने ये काम किया हुआ है, हमारे स्टूडेंट विदाता ने यहाँ पे, मैं अभी अभी दो तीन केस और भी हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं वो। ये देखिए उन्होंने जंपर मारा है, तो इनके लिए जोरदार एक ताली हो जाए। चलिए तो आप इसको तब से फिट करिए, मैं नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलकर आता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या हुआ है। चलिए तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? पंजाब से, और मैंने एक मोटो G4 प्लस हैंडसेट किया, इसके अंदर PMI से लगी थी। तो मतलब प्रॉब्लम क्या था पहले तो आप प्रॉब्लम बताइए। बिल्कुल हैंडसेट डेड था, 10 दुकानों से हो गया, फोन बंद था। तो एक्चुअल में देखिए अभी आपने डेड की क्लास बची है, पर हमने शुरू से ही आपको डेड दे के रखा है। बिल्कुल डेड दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है? क्योंकि हर सेक्शन डेड का कोई वो नहीं है कि डेड कहाँ से हुआ है, तो डेड की फिर भी आज एक क्लास है, डेड की एक क्लास बची हुई है आपकी, बस बाकी सारा हार्डवेयर आपका क्लियर हो गया। आपने पहले भी एक रिव्यू में दिया हुआ है कि आप 13 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी आप उसको अनुभव ले रहे हैं आप अपना, ठीक है, क्योंकि ज्ञान कभी कम खत्म नहीं होगा, समझ में आ रहा है? ज्ञान क्या कितना भी हम ले लें वो कमी है हमारे लिए। तो चलो ठीक है, बताइए आपने क्या क्या किया उसके और क्या प्रॉब्लम था? इसके अंदर PMIIC ब्रेक थी, ये एक्चुअली 10 दुकानों से पहले होके आया है। PMIIC ब्रेक मिली पहले तो आपने आई स्कैनिंग की ना, आपने कैसे देख के बता दिया कि वो ब्रेक थी? अब आपने पहले उसमें क्या किया? आई स्कैनिंग किया, क्योंकि एक इस फील्ड में सबसे बहुत जरूरी मेन चीज है वो क्या है? आई स्कैनिंग, सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो क्या है? आई स्कैनिंग होती है। फिर उसकी वजह से दूसरे बोर्ड से PMIIC निकाली, और इसमें ऐसा तो नहीं है कि फेक हो, आप मतलब ऐसे ही दिखा रहे हो, फेक क्यों है? ये इस बोर्ड में से ऐसे निकाली है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि हम वीडियो में आपको फेक बता रहे हो, आप ऐसा ही बोल रहे हो, मतलब आपने जो परफेक्ट काम किया वही तो दिखा रहे हैं ना। दिखा दीजिए वो ऐसी कौन सी ब्रेक थी, ब्रेक आईसी दिखा दीजिए। टूटी हुई पड़ी है, हाफ पीस है ये, इसको मैं जूम से अगर दिखा सकूं तो PMI क्वालकॉम PMI ब्रेक है। चलिए फिर आपने क्या किया? मैं नोट फोर से एक डेड बोल्ट पड़ा था, उसमें से PMI से निकाली, हाँ, रिवॉल्व करी और इसके अंदर लगा दी। हाँ, और वो एक बार में हैंडसेट ऑन हो गया। ऑन करके दिखा दीजिए,
बहुत। चलिए दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूं कि ये लाइव प्रैक्टिकल मॉर्निंग की क्लास चल रही है ना यहाँ पे। ये हमारा सेट ऑन हो चुका है प्रॉपर, थोड़ा बूट करने में टाइम लगेगा। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। तो मैं तब से मैं यहाँ पे इनको बोला था कि जो उन्होंने काम किया जिस सेट पे, तो मैं वो आपको ये भी दिखा दूं कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए एयरटेल का नेटवर्क आ चुका है, इसलिए कि हम ऐसा कुछ भी नहीं फेक, क्योंकि हम फेक क्या आप हमें फेक इंटरव्यू दे रहे हैं क्या रिव्यू? नहीं, मैं अभी इधर ही बनाया था। आपने किया कि हमने किया? ये मेरे हाथ से मैं बनाया था इधर। नहीं, कहने का मतलब आप ये बताइए, आपने जो इस सेट को बनाया आपने बनाया कि हम लोगों ने बनाया? मैं बनाया था ये सेट को। और ये बताइए आपने ये सेट आपने बनाया कि हम लोगों ने बनाया? ये प्रैक्टिकल जो आपने चालू किया सेट आपने बनाया कि हम लोगों ने बनाया? आपने बनाया, मतलब ये स्टूडेंट बनाते हैं। हमने आपको ट्रिक बताई है सारा चीज और आप उसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं। और बताइए आप अपना क्या क्या, अभी आपने क्या क्या किया मॉर्निंग की क्लास में, आपने क्या किया अभी? सर मेरा नोट 7 प्रो हैंडसेट है। हाँ, वाटर डैमेज था। हाँ, वाटर डैमेज पहले। ये आपका वाटर डैमेज सेट आया था आपके पास, तो डेड था, बंद था। फिर सर मैंने उसको पूरा निकाल के पहले आईपी से क्लीन किया। हाँ, फिर उसको आई स्कैनिंग करके देख लेते थे हैंडसेट ये, फिर स्पोल टेस्टिंग लेके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज रीडिंग चेक किया। हाँ, रीडिंग सही आने के बाद जो ऑन ऑफ स्विच है कोल्ड टेस्टिंग करते हुए रीडिंग चेक किया, मतलब ऑन ऑफ स्विच से रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, उसके बाद बैटरी लगा के बैटरी में बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज चेक किया। हाँ, वोल्टेज चेक करने मतलब वोल्टेज सही आ रहा है, लेकिन हैंडसेट बूट नहीं हो रहा था। हैंडसेट बूट नहीं कर रहा था, मतलब वो कोई भी बूटिंग नहीं कर रही थी, खाली वोल्टेज। लेकिन मैं पहले पीएमआईसी निकाल के रिवॉल्व करके, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया पीएमआईसी को क्या किया? निकाल के रिवॉल्व करके फिर से बिठा दिया। बिठा दिया स्टेप बाय स्टेप। अब आपका सेट क्या है? ऑन है सर। ऑन हो गया? ऑन हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली फिर से एक बार। तो ये हमारी लाइव प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, जो कि हमारा हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप इससे खुश है कि नहीं है? आपका हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हो गया है? ठीक है सर, सब ट्रेसिंग में कुछ सर सही तरीके से, मतलब ट्रेसिंग करने से पहले वोल्टेज रीडिंग जिस जिस सेक्शन में कहाँ कहाँ वोल्टेज आता है सब सारी रीडिंग और वोल्टेजों का नॉलेज हो गया आपको? डीप से सब बता दिया सर। वेरी गुड। और आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा आप भी बता दो। मैंने इसका एक तो बैक लाइट ग्राउंड लाइट भी चली थी। हाँ, उसको जहाँ से अपने जैम्पर वो लाइन कटी हुई थी। अच्छा, लाइन ब्रेक हो गई थी? लाइन ब्रेक हुई वो जैम्पर वागो लाइट कटी हुई। और प्लस इसका जीरो नंबर नहीं चल रहा था। हाँ, तो इसका कॉलम और रो की मैंने, आपका हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? ये पहले मैसेज ही होता था। अच्छा, लेकिन जब जहाँ के बाद अभी पूरी प्रॉपर जीरो से लेके फिंडर तक नॉलेज मिली है। चलिए तो ठीक है, आपने क्या क्या काम किया यहाँ पे? अभी मैंने इसका एक तो डिस्प्ले लाइट चलाया, प्लस इसका एक्स्ट्रा कलर जीरो नंबर नहीं चला, उसको मैंने चलाया। चलिए दिखा दीजिए आप। पहले तो उसमें डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही थी। तो दोस्तों इनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। देखो इन्होंने डिस्प्ले की लाइट जलाई है। चलिए, और दूसरा आपने क्या काम किया? जीरो नंबर नहीं चल रहा था, इसकी आपने जहाँ पर ओपन होने दी इसके मैंने ट्रेस किया तो इसकी भी लाइन कटी हुई थी। अच्छा, तो मैंने ओके कर दिया, उसका चल रहा था। ये देखिए दोस्तों, इसमें जीरो भी काम कर रहा है, जो कि पहले जीरो काम नहीं कर रहा था। चलिए ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टूडेंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये अपना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और इनकी हार्डवेयर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और अपना ये सारे सेक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।